Hello friends welcome to vigyan shala today we are going to start one of the most important chapter of grade 10th biology that is life processes topics to be discussed we are going to begin with introduction what are life processes nutrition respiration transportation and excretion फ्रेंड्स हमारे सराउंडिंग में हम अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं इनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स एनिमेट यानी लिविंग होते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स इन एनिमेट यानी कि नॉन लिविंग होते हैं अब इनके एग्जांपल्स हैं जैसे कि एनिमल्स ट्रीज ह्यूमन बींग्स रॉक्स बिल्डिंग्स इन दोनों में से कुछ को हम क्लासिफाई करेंगे लिविंग थिंग्स में and some of them will be classified as non living things now how to identify the difference between living or non living organism so in order to identify the difference between living or non living organism we can observe these processes number 1 living things intake food that means they perform nutrition However, non-living things do not intake food. Second, living things jo hai, wo sans lete hai, they can breathe, they perform respiration, whereas non-living things cannot breathe. Living things have proper transportation system or circulatory system which helps them to transport various food materials. However, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव एनी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम लिविंग थिंग्स कैन रिमूव वेस्ट और प्रोड्यूस वेस्ट इन द बॉडी नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिमूव और प्रोड्यूस एनी वेस्ट इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है और नॉन लिविंग में नहीं होता है लिविंग थिंग्स कैन ऑल्सो रिस्पॉन्स टू स्टिम्यूल मीन्स जब वो कोई चेंज ऑब्जर्व करते हैं अपने सराउंडिंग में तो वो उसको रिस्पॉन्स देते हैं रिएक्शन देते हैं हावेवर, नॉन लिविंग थिंग्स कोई रिस्पॉन्स नहीं देते दे डू नॉट रिस्पॉन्स टू स्टे हैंस, ये जितने भी प्रोसेस हमने देखे ये हमें हेल्प करेंगे आइडेंटिफाई करने के लिए वेदर एन ऑब्जेक्ट इज लिविंग और नॉन लिविंग स प्रोसेसेस आर एक्चुअली एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ हैंस वी कॉल सच प्रोसेस एज लाइफ प्रोसेसिस जितने भी प्रोसेस हैं इनमें सभी नेसेसरीली लाइफ प्रोसेस नहीं कहलाएंगे लाइक वॉकिंग और मूवमेंट सभी ऑर्गेनिजम्स जो लिविंग है वो जरूरी नहीं है कि मूवमेंट कर रहे हो लाइक like प्लांट्स प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं लेकिन वो मूवमेंट नहीं दिखाते इसी वजह से इन सब प्रोसेस में से हम कुछ गिने चुने प्रोसेसेस के बारे में आज डिस्कस करेंगे सो वॉट आर लाइफ प्रोसेसेस द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और द प्रोसेस विच आर नेसेसरी टू सस्टेन लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसिस लिस्ट ऑफ वेरियस लाइफ प्रोसेसेस, नंबर वन न्यूट्रिशन नंबर टू रेस्पिरेशन नंबर थ्री ट्रांसपोर्टेशन एंड नंबर फोर एक्सक्रीशन सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन फ्रेंड्स हम हमारी डेली लाइफ में अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज करते हैं उन सभी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी हेल्प्स अस टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज एज वेल एज टू मेंटेन द स्टेट ऑफ बॉडी इसके अलावा हमें और ऐसे मटेरियल्स की भी जरूरत पड़ती है जो हमारी बॉडी का ग्रोथ और डेवलपमेंट करते हैं सो so, ये सभी मटेरियल्स हमें कहाँ से मिलेंगे वी ऑप्टेन इट फ्रॉम फूड फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी एज वेल एज ऑल अदर मटेरियल्स विच आर नेसेसरी टू ग्रो एंड डेवलप अवर बॉडी सो ऐसा प्रोसेस जिसमें हम फूड को इनटेक करके इन सभी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं उसे कहते हैं न्यूट्रिशन द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड टू फुलफिल रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी एंड अदर मटेरियल्स फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन नाउ हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देअर फूड सी सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल ऑप्टेन फ्रॉम इन ऑर्गेनिक सोर्सेस इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वॉटर ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं ऑटोट्रोफ्स और उनके एग्जाम्पल्स में आते हैं ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरियल स्पीशीज वेर एज देर आर सर्टन ऑर्गेनिजम्स विच आर आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रोफ्स एक्चुअली दीज ऑर्गेनिजम्स इन टेक कॉम्प्लेक्स मटीरियल एंड ब्रेक दम डाउन इन साइड द बॉडी विद द हेल्प ऑफ एनजाइम्स एनजाइम्स के बारे में हम आगे और डिस्कस करेंगे लेकिन उससे पहले इन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहेंगे दीज आर कॉल्ड हेटरोस और इनमें आते हैं एनिमल्स एंड फंगय फ्रेंड्स आपने नाइन्थ स्टैंडर्ड में डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था उसमें फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने एनिमल किंगडम और किंगडम फंगाए पढ़ा था ये दोनों ही ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये हेट्रोट्रोप्स कहलाते हैं दैट मीन्स दे केन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड हैंड्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन कैन बी क्लासीफाइड इन टू टू टाइप्स दैट इज ऑटोट्रोफिक एंड हेट्रोट्रोफिक सो हेर यू कैन सी अ चार्ट रिप्रेजेंट्स मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें हम देख सकते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में ग्रीन प्लांट्स का एग्जाम्पल आता है जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करके खुद का फूड खुद ही प्रिपेयर कर सकते हैं वेयर एज हेट्रोट्रोफ्स में और सब क्लासिफिकेशन आती है जिसके और थ्री टाइप्स हैं सेप्रोफाइटिक पैरासाइटिक एंड होलोजोविक। इसके बारे में हम आगे और डिस्कस करेंगे सबसे पहले चलते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन की तरफ द डेफिनेशन सेज इट इज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स टेक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड

दोनों को कंबाइन करके कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में इन कार्बोहाइड्रेट्स को या तो वो इमीडिएटली यूज कर लेते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बॉडी या तो उसे वो स्टोर करके रखते हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी सो आपने इस रिएक्शन को ऑलरेडी देखा हुआ होगा वेन कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज सी ओ टू

ग्रीन प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं उनमें क्लोरोफिल सबसे पहले सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है स्टेप नंबर टू इस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाता है केमिकल एनर्जी में जिससे वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उन्हें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिवाइड कर दिया जाता है स्टेप नंबर थ्री रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंटू कार्बोहाइड्रेट्स दैट मीन्स जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें हाइड्रोजन एड हो जाता है एंड इट फॉर्म्स कार्बोहाइड्रेट्स अब ये सभी स्टेप्स जो हैं वो इमिजिएटली हो ये जरूरी नहीं है इसका एग्जाम्पल है डेजर्ट प्लांट्स डेजर्ट प्लांट्स में दिन में तो फोटोसिंथेसिस होता ही है लेकिन इवन एट नाइट टाइम दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस है वो सन एनर्जी को इकट्ठा करता है एंड एट नाइट टाइम दे अगेन इनटेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड कंबाइन दैम विथ वाटर टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट उनकी जो डे टाइम की एनर्जी उन्होंने कलेक्ट करके रखी थी वो उन्हें नाइट टाइम में काम आती है कार्बोहाइड्रेट बनाने में उ लेटस सी हाउ कॉम्पोनेट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन आर यूजफुल अगर आप ध्यान से लीफ का एक पोर्शन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको उसके सेल्स के अंदर ग्रीन डॉट्स नजर आएंगे ये ग्रीन डॉट्स क्या है दीज आर नथिंग बट दे आर प्लास्टीड्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट जो आपने नाइन्थ स्टैंडर्ड में पढ़ा था ही क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है जो कार्बोहाइड्रेट्स बनाने में मदद करता है लेट अस सी हाउ क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस इसे समझने के लिए एक एक्टिविटी देखेंगे वी हैव टू टेक अ पोटेड प्लांट विद वेरीगेटेड वेरीगेटेड लीव्स का मतलब होता है कंप्लीट ग्रीन नहीं उनमें कुछ शेडेड एरियाज होते हैं जैसे कि मनी प्लांट का लीफ ये है एंड क्रॉटन ये लीव्स अगर आप ध्यान से देखो तो इनमें पूरा का पूरा ग्रीन कलर नहीं दिखेगा कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जो अनशेडेड हैं नाउ वी हैव टू कीप दिस प्लांट इन डार्क रूम फॉर थ्री डेज सो दैट ऑल द स्टार्च गेट्स यूज्ड अप जब हम उसे डार्क रूम में रखेंगे तो उसे सनलाइट नहीं मिलेगी जिससे उसके अंदर मौजूद स्टार्च जो है वो सारा का सारा यूटिलाइज हो जाएगा नाउ वी हैव टू कीप द प्लांट इन सन लाइट फॉर अबाउट सिक्स आवर्स तीन दिन बाद उसे डार्क रूम से निकाल के हम छः घंटे के लिए उसे सनलाइट में रख देंगे प्लक अ लीफ फ्रॉम द प्लांट एंड मार्क द ग्रीन एरियाज इन इट एंड ट्रेस दैम ऑन शीट ऑफ पेपर उसमें से एक लीफ तोड़ लेना है और जहाँ जहाँ उसके ग्रीन एरियाज दिख रहे हैं उन ग्रीन एरियाज़ को हम ट्रेस पेपर पे ट्रेस कर लेंगे नाउ डिप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर फ्यू मिनट्स आफ्टर दिस इमर्स इट इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग एल्कोहल केयरफुली प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन वाटर बाथ एंड हीट टिल द एल्कोहल बिगिंस टू बॉयल अब ये सभी स्टेप्स आप यहां देख सकते हैं ये लीफ हमने लिया उसे बीकर में बॉइलिंग वाटर में डाला ऐसा करने से क्या होगा उस लीफ में मौजूद क्लोरोफिल जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा अब हमने इसको एल्कोहल कंटेनिंग टेस्ट ट्यूब में डाल दिया और उस टेस्ट ट्यूब को हमने बॉइलिंग वाटर में वाटर बाथ दिया आफ्टर फ्यू आवर्स यू विल ऑब्जर्व कलर ऑफ लीफ हैज कंप्लीटली गॉन जो लीफ का ग्रीन कलर था वो सारा का सारा निकल चुका है और एल्कोहल सॉल्यूशन पूरा ग्रीन कलर का हो गया नाउ अगेन वी हैव टू टेक द लीफ एंड इट बैक इनटू द वाटर। अब हम लीफ को बाहर निकालेंगे और उसे डिप करेंगे आयोडीन सॉल्यूशन में नाउ ऑब्जर्व द कलर ऑफ लीफ जो पार्ट आपको डार्क कलर्ड लग रहा है वहां पे स्टार्च मौजूद है और जो एरियाज अनकलर्ड हैं वहां पे स्टार्च मौजूद नहीं है नाउ लेटस अंडरस्टैंड हाउ प्लांट्स इनटेक कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस फ्रेंड्स आपने नाइन्थ स्टैंडर्ड में देखा था कि जो लीव्स होती हैं प्लांट्स की उनपे बहुत ही छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा ये स्टोमेटा जो है दे हेल्प टू इनटेक कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड द प्लांट ये टाइनी ओपनिंग्स अगर ज़्यादा देर तक खुली रहें तो हो सकता है कि प्लांट का वाटर लॉस हो जाए सो इन ओपनिंग्स को प्लांट कभी कभार क्लोज भी कर देते हैं ये ओपनिंग और क्लोजिंग जो है यह कंट्रोल होता है गार्ड सेल्स से सो यू कैन सी ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, यू विल ऑब्जर्व दी टाइनी ओपनिंग्स विच आर कॉल्ड स्टोमेटा एंड टू हाफ मून शेप्ड सेल्स विच आर कॉल्ड guard cells guard cells absorb the water and they swell up by which they close the openings and when the water evaporates again guard cells shrink and the opening opens now let us understand वाई कार्बन डाइऑक्साइड इज असेंशियल फॉर फोटोसिंथिस टू अंडरस्टैंड दिस वी परफॉर्म वन मोर एक्टिविटी हमें दो हेल्दी पॉटेड प्लांट्स लेने हैं जैसा आप डायग्राम में देख सकते हो इन प्लांट्स को हमें डार्क रूम में रखना है फॉर थ्री डेज जैसे हमने पिछली एक्टिविटी में किया था वैसे हम यहां पर भी दोहराएंगे तीन दिन बाद इन प्लांट्स को जब हम निकालेंगे तो उनका स्टार्च कंप्लीटली यूटिलाइज हो चुका होगा नाउ वी हैव टू पुट अ बेल जार ओवर बोथ ऑफ दीज पॉटेड प्लांट्स इन दोनों ही पोटेड प्लांट्स पे कांच का बेल जार उल्टा करके रखना है इनमें से एक प्लांट के साथ हम एक छोटा सा वॉच ग्लास रखेंगे जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं ये हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि वो अंदर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा नाउ वी हैव टू यूज वैसलीन टू सील द बॉटम ऑफ द जार्स टू द ग्लास प्लेट सो दैट द सेटअप इज एयर टाइट कीप द प्लांट्स इन सन लाइट फॉर अबाउट टू आवर्स नाउ प्लक अ लीफ फ्रॉम ईच प्लांट एंड चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च बाय पुटिंग आयोडीन सॉल्यूशन। जब ये एक्टिविटी पूरी हो जाएगी तब आप ऑब्जर्व करोगे जिस बेल जार के अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था उसमें स्टार्च मौजूद नहीं होगा वेर एज जिसमें हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं रखा था वहाँ उस लीफ में आपको स्टार्च का प्रेजेंस देखने मिलेगा इस एक्टिविटी से साफ पता चलता है जहां कार्बन डाइऑक्साइड एबसेंट है वहां फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा और स्टार्च नहीं बन रहा बट जहां कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है वहां पे फोटोसिंथेसिस इजीली होता है सो लेट अस ऑब्जर्व दिस इन मोर डिटेल यू कैन सी वी हैव टेकन टू पॉटेड प्लांट्स कवर्ड विद बेल जार इनमें से एक में हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रखा हुआ है और दूसरे में हमने नहीं रखा है दोनों ही बेल जार्स के नीचे एक ग्लास प्लेट रखी जाएगी और उनके बॉर्डर्स को वैसलीन से सील कर दिया जाएगा जिससे एयर अंदर एंटर ना हो सके अब हम इन दोनों ही जार्स को सनलाइट में रखेंगे ताकि दोनों का फोटोसिंथेसिस हो बट जिस जार में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रखा हुआ है वहां फोटो सिंथेसिस नहीं होगा दिस इज बिकॉज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने सारा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लिया नाउ वी कैन ऑल्सो चेक प्रेजेंस ऑफ स्टार्च बाय पुटिंग आयोडीन सॉल्यूशन ऑन बोथ द लीव्स। अब जिस जार में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था उसमें लीव के ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन का कोई असर नहीं हुआ वो लाइट कलर्ड है बट जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं था उसका लीव आयोडीन में डार्क हो गया सो दिस प्रूव्स दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। वी कैन कंपेयर द कलर ऑफ बोथ द लीव्स सिमिलरली वी कैन आल्सो प्रूव दैट सनलाइट इज आल्सो एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अब ये प्रूव करने के लिए भी हम इस एक्टिविटी को देख सकते हैं हमें दोबारा एक पोटेट प्लांट लेना है जिसके वाइड लीव्स मतलब चौड़े लीव्स हों अगेन इस पोटेट प्लांट को हम एक या दो तीन दिन के लिए डार्क रूम में रख देंगे जिससे उसके अंदर मौजूद सारा स्टार्च यूज अप हो जाए आफ्टर सम डेज we will take out that plant which is free from starch now we will take a black cardboard paper and cover middle portion of the leaf with this black paper now keep it back in sunlight for 4 to 5 hours now plug the leaf which was covered with black cardboard and we have to slowly remove the paper again we will boil it with alcohol and water bath solution Or else you can also use methylated spirit. Now, again by doing iodine test, you will observe the portion which was covered with black paper will not show dark color of iodine, whereas the portion

photosynthesis nahi hua so now you can compare the color you can see upper and bottom part has colored whereas middle portion is not colored now let us understand what is the meaning of heterotrophic nutrition friends we saw earlier that heterotrophs are those organisms which are आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन ऑटोट्रोफ्स ये ऑर्गेनिज्म जो हैं ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं टू ऑपटेन देअर फूड दे कैन नॉट प्रिपेयर देअर ओन फूड हर ऑर्गेनिज्म की अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है दूसरों से फूड ऑप्टेन करने की कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो बिना किल किए दूसरे ऑर्गेनिज्म में से फूड एब्जॉर्ब करते हैं कुछ ऑर्गेनिजम ऐसे होते हैं जो डेड बॉडीज में से अपने न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं वेयर एज सम ऑफ देम इनटेक द होल पार्ट ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म एज फूड एंड ब्रेक देम डाउन इनसाइड देयर बॉडी विद द हेल्प ऑफ बायो कैटलिस्ट कॉल्ड एनजाइम्स सो डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट स्ट्रेटेजीज हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन इज सब क्लासिफाइड इन टू थ्री टाइप्स नंबर वन पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इन दिस मोड ऑर्गेनिजम्स ऑप्टेन फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स विदाउट किलिंग दैम इनके लिए वो ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं होस्ट होस्ट की बॉडी में से ये लोग प्रिपेयर्ड फूड को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेते हैं एग्जाम्पल्स टिक्स लाइस लीचेस एंड टेपवोम्स नाउ सेप्रोफाइट्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच ऑप्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड और डीकेइंग मैटर दर ऑर्गेनिज्म सच एस फंगय लाइक ब्रेड मॉल्टीस्ट एंड मशरूम्स ये ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स की डेड बॉडीज में कुछ एंजाइम्स रिलीज करते हैं जिससे उनके अंदर मौजूद न्यूट्रिय जो है वो उन्हें ईजी फॉर्म में एब्जॉर्ब करने मिलते हैं टाइप इज होलोजोक न्यूट्रिशन होलोजोइक न्यूट्रिशन में एग्जाम्पल आते हैं ह्यूमन बींग्स यानी हम all animals including mammals as well as unicellular organisms such as amoeba and paramecium we human beings or any animals we intake whole part of plant or other animal as a food and then break them down inside our body with the help of enzymes so in order to understand holozoic nutrition let us see first हाउ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक एमिबा ब्रेक्स डाउन फूड इनसाइड इट्स बॉडी फ्रेंड्स एमिबा की जो बॉडी है वो सिर्फ एक सेल है एक सिंगल सेल से उसकी पूरी बॉडी बनी हुई है सो so, उस सिंगल सेल्ड बॉडी से एमिबा विद द हेल्प ऑफ फाइव स्टेप्स होलोजोइक न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है दैट इज इंजेशन डाइजेशन एब्जॉर्बेशन एसमलेशन एंड एजेशन इंजेशन मीन्स इनटेक ऑफ फूड एमिबा का जो सेल मेमब्रेन है इट इज फ्लेक्सेबल एंड इट मेक्स अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सुडोपोडिया जिसकी मदद से वो फूड इनटेक करता है जैसा आप फिगर में देख सकते हो आफ्टर दिस एमिबा एंड गर्ल्फ द फूड पार्टिकल एंड फॉर्म्स अ फूड वैक्यूल फूड वैक्यूल क्या होता है यह आपने नाइन्थ स्टैंडर्ड में पढ़ा था एनिमल सेल्स में जो फूड वैक्यूल होते हैं उनमें एंजाइम्स मौजूद होते हैं जिसकी मदद से वो फूड को ब्रेक डाउन करता है विच इज कॉल्ड डाइजेशन आफ्टर डाइजेशन द फूड इज एब्सॉर्ब इन साइड द न्यूक्लियस फर्दर न्यूक्लियस के अंदर उसका एसिमिलेशन होता है एसिमिलेशन का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड गेट्स कन्वर्टेड इन टू सिंपलर फॉर्म एंड देन लेटर ऑन द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव आउट फ्रॉम एमिबास बॉडी

होलोजोक न्यूट्रिशन के फाइव स्टेप्स जो हैं वो जस्ट एक सिंगल सेल्ड बॉडी से परफॉर्म हो रहे थे वी ह्यूमन बींग्स वी हैव कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम इन अवर बॉडी टू परफॉर्म दीज फाइव स्टेप्स लेट्स सी हाउ होलोजोइक न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बींग्स नंबर वन इंजेशन विच बिगिन विद माउथ अवर माउथ कंसिस्ट ऑफ अ बकल कैविटी विच कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ टीथ्स As well as a tongue and salivary gland. Salivary gland secretes a watery liquid which is called saliva, which helps to make the food soft so that it can easily move towards our stomach. Saliva also consists of salivary amylase, which is one enzyme that helps to break down complex sugar molecules into simpler ones as soon as the food is converted into semi-liquid form, it begins to move towards our stomach through esophagus, which is also called food pipe. the food pipe performs an involuntary function, which is called peristalsis or peristaltic movement. once the food enters into stomach, it is getting mixed with gastric juices, which are also called digestive juices. these juices consist of, number one, hydrochloric acid, which is very concentrated. Number two, pepsinogen, which is an enzyme that digests protein. And number three, a protective layer which avoids the contact of stomach with HCl, which is called mucus. Hydrochloric acid helps in partial digestion of food. That means food is semi digested, not completely digested. Also, it helps to kill the bacteria or any microbe which is present in our food. पैप्सन हेल्प्स टू डाइजेस्ट प्रोटीन एज डिस्क लियर एंड म्यूकस इज अ प्रोटेक्टिव लियर विच अवॉइड द कॉन्टेक्ट ऑफ एच सी एल विद स्टमक वंस द फूड इज पार्शली डाइजेस्टेड इट एंटर्स इन टू स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे एलिमेंट्री कैनल का सबसे बड़ा हिस्सा है विच इज अबाउट सेवन मीटर लॉन्ग फिर भी ये हमारे पेट में आसानी से कैसे मौजूद है इट इज बिकॉज इट इज फिक्स्ड In the coiled form. You can see in figure. Next, as soon as the food gets digested partially, it enters into small intestine, and small intestine consists of intestinal juices. these intestinal juices are organ organs Number one, pancreas, and number two, liver. Pancreas secretes pancreatic juices. जिसमें मौजूद हैं तीन डिफरेंट एंजाइम्स नंबर वन एमिलेस विच डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट नंबर टू ट्रिप्सिन विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड नंबर थ्री लाइपेस विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट्स लिवर सीक्रेट्स बाइल जूस विच इज स्टोर्ड इन साइड द लिवर इन एन ऑर्गन कॉल्ड गॉल ब्लैडर गॉल ब्लैडर हेल्प्स इन कन्वर्टिंग एसिडिक फूड इंटू एल्कलाइन फॉर्म यह एसिडिक फूड कहां से आया था स्टमक से स्टमक में जो एसिड है वो फूड को एसिडिक बना देगा तो उसके ऊपर पैंक्रिएटिक एंजाइम्स फंक्शन नहीं कर पाएंगे इसलिए इसको एल्कलाइन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करता है बाइल जूस सेकेंड इट ऑल्सो इमल्सिफाइज बिगर फैट मॉलिक्यूल्स इंटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हमारे फूड में मौजूद बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उन्हें स्मॉलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करता है बाइल जूस सो इन दिस वे इंटेस्टाइनल जूसेस कन्वर्ट प्रोटीन्स इंटू एमिनो एसिड विच इज द सिंपलर फॉर्म ऑफ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स इंटू ग्लूकोज एंड फैट्स इंटू फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। अब ये सिंपलर फॉर्म को कहीं तो एब्जॉर्ब होना होगा सो द नेक्स्ट स्टेप दैट इज एब्सॉर्ब इट अगेन टेक्स प्लेस इन साइड स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर लाइनिंग है उस उसपे इस तरह के टाइनी फोल्ड्स होते हैं और उन टाइनी फोल्ड्स पे इस तरह के छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिन्हें हम कहते हैं विलाय दिस विलाय हेल्प इन इंक्रीजिंग द सर्फेस एरिया फॉर एब्जॉर्बेशन ऑफ फूड एज वेल एज इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स विच हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी वेयर इट इज यूटिलाइज फॉर ऑप्टेनिंग एनर्जी

it will be removed out of the body through anus so the exit of waste material is regulated by anal sphincter muscle this is the anus and it is called sphincter muscle so this concludes human digestive system this brings us to the end of part 1 of chapter number 6 life processes thank you so much for watching in the next video, we will discuss other life processes. Please like, share, and subscribe my YouTube channel, Vigyan Shala, and also press the bell icon for more notifications of new videos.